दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं इंदौर से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर नगर होते हुए मड़मार तक जो रेलवे लाइन बनेगा, नया रेलवे लाइन, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यह इंदौर जंक्शन है। इंदौर जंक्शन से जब हम आगे बढ़ेंगे इस रूट पर तो हम लोग आ जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे ये पताल पानी वाला रूट, ये वीडियो जाकर के देख ले तब आपको समझ में आ जाएगा ये नया कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन डॉक्टर अंबेडकर नगर से कहाँ बनेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर से मनमाड़ वाला जो सेक्शन है इस पर नया रेलवे लाइन बनाया जा रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर नगर से मड़मार वाला जो नया रेलवे लाइन बनेगा इसको तीन फेज़ में बांटा गया है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से लेकर के नरडाना तक 194 किलोमीटर नया रेलवे लाइन बनाया जाएगा। बारे में आप लोग जानते होंगे ये रेलवे स्टेशन नंदुरबार वाले सेक्शन पे आता है, यह नरडाना स्टेशन है। ये सेक्शन जो है पूरा डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का टोटकुल 194 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बनेगा। नरडाना से बोरविहार तक जो सेक्शन है कुल ये 46 किलोमीटर सेक्शन 2 बनेगा नया रेल लाइन। पहला सेक्शन नरडाना से डॉक्टर अंबेडकर नगर 194 किलोमीटर लंबा रेल लाइन, दूसरा सेक्शन नरडाना से लेकर के बोरविहार तक जो है कुल 46 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बनेगा बोरविहार से, आप लोग जानते होंगे। फिर ये तीसरा सेक्शन जो इसका बनेगा बोरविहार से लेकर मड़मार तक कुल 79 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बनेगा। तो ये कुल टोटल इस सेक्शन का अगर लंबाई की बात करें मड़मार से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर नगर 319 किलोमीटर लंबा रेल लाइन बनना है, जिसमें कि ये तीन फेज़ में इसको बांट दिया गया है। पहला फेज़ मड़मार से लेकर के बोरविहार तक, बोरविहार से दूसरा फेज़, बोरविहार से लेकर के नरडाना तक, नरडाना से तीसरा फेज़ डॉक्टर अंबेडकर नगर तक। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये सेक्शन बन जाने से डॉक्टर अंबेडकर नगर से ट्रेन आसानी से मड़मार तक चली आएगी। मड़मार एक बार ट्रेन आ गई तो पुणे जाना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो है मड़मार से, जब इस रूट पर हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये जा रहा है पुणे की तरफ। तो आप लोग जानते होंगे आने वाले समय में ये सेक्शन बन जाएगा तो डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी इंदौर की तरफ से कोई भी ट्रेन आसानी से मड़मार होते वो पुणे जा सकती है। तो चलिए आपको पुणे की तरफ लेके चलते हैं। मड़मार से जब हम आगे बढ़ेंगे इस सेक्शन पर तो हम लोग इस ये वाला रूट जो है सीधे पुणे जा रहा है। पुणे से पहले यहाँ पर देखिए अहमदनगर वाला रूट है, देखिए दाऊद जंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन बाईपास से निकलती है। दाऊद जंक्शन है, दाऊद से यहाँ से पहले बाईपास है, बाईपास से ट्रेन सीधे पुणे की ओर चली जाती है। ये सेक्शन सीधा जाकर के पुणे जंक्शन को जोड़ता है। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर नगर वाला रूट बन जाएगा डॉक्टर अंबेडकर नगर से लेके मड़मार तक 319 किलोमीटर लंबा रेल लाइन, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी डॉक्टर अंबेडकर नगर के पुणे से हो जाएगी। क्योंकि देखिए पुणे से आसानी से ट्रेन, आप लोग जानते होंगे इस रूट के बारे में, दाऊद बाईपास होते हुए ट्रेन आती है मड़मार जंक्शन, मड़मार से वो सब ट्रेन भुसावल होकर निकलती है। लेकिन ये सेक्शन जब बन जाएगा आने वाले समय में तो ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर की ट्रेन जो है आसानी से चली जाएगी, क्योंकि देखिए मड़मार आएगी, मड़मार से फिर वो ट्रेन सीधे इधर कटेगी और ये नया रेलवे लाइन से बोरविहार होते हुए ट्रेन आ जाएगी नरडाना तक, नरडाना से सीधे डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो आप लोग जानते होंगे इस रूट के बारे में कि ये रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। कमेंट करके बताएं ये इस रेलवे लाइन के बारे में कौन कौन लोग जानता है, कमेंट कर दें वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो ये यहाँ से रेलवे लाइन निकल रहा है टीही से, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।